उसके लिए आपने फिर घर बैठ के ऑनलाइन कोर्स क्यों नहीं किया? ऑनलाइन का तो कुछ नहीं किया, ऑनलाइन क्यों नहीं किया? नहीं होता था तीसरे चौथे दिन में कौन सा एसी निकाल के लगाया? सीपीयू और पावर। तुम कैसा आपको गारंटी दे सकते हो? मैं गारंटी लूंगा सर। अपना नंबर बोलो। 9818। दूसरे तीसरे चौथे दिन में कौन सा एसी निकाल के चालू किया सर? पावर आईसी चालू किया है और इसका अपना सीपीयू भी चालू किया है। आपने एक प्रेशर होने के बाद प्रेशर वो भी बोर्ड के हमारे मेरे को कुछ भी ना लेंगे। और आपने इवन जो आईसी रिवॉल्व किए वो किस स्टेंसिल से रिवॉल्व किया? यूनिवर्सल से। ये सब कुछ कहाँ पॉसिबल हो पा रहा है? एशिया डेली का मैं बस गया है, ये पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, घबराने का नहीं, यहाँ आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। अपना नंबर दो। आप अपनी गारंटी दे सकते हो कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं सर। 100% सर। आपकी शॉप है? जी सर। कहाँ पर? एड्रेस दो। जी सुल्तानपुर, यूपी सुल्तानपुर भाई है। और अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 96। हाँ सर। क्या एड्रेस दो? बोरबटा जिला हावली कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आपको अगर मैं नंबर दूं आपका और कोई आपको कॉल करे, दो चीज पूछ सकता है, एक मोबाइल बना दोगे क्या भैया, और एक एशिया टेलीकॉम में अगर मुझे जाना है तो क्या जवाब दोगे? दोनों का बिंदास मेरे सब पे भी आ सकते हैं, एशिया टेलीकॉम तो आग बंद के आ जाओ, कोई टेंशन। नंबर दो फिर अपना। 6000। आप अपने फोन पर सिर्फ ये बता दो कि पावर ऐसी उतारना है या नहीं उतारना है, ये पता है कि नहीं पता? वन टाइम में डीसी मशीन का रीडिंग देके बता देंगे काम कहाँ से करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। मोबाइल नंबर दो। और मोबाइल नंबर है 7643। चालू मोबाइल से निकाल कर मैं उसको चालू। और फिर चौथे दिन में कौन सा ऐसे निकाला? सीपीयू निकाल के करने वाले हो, अभी कैसा काम करोगे? सर सामान ट्रेनिंग करूंगा। ट्रेनिंग प्रैक्टिस करोगे और आने वाले समय में सीपीयू सब पे काम करोगे? और उसके बाद फिर बैकअप के लिए कौन बैठा होगा तुम्हारे? टेलीकॉम है सर। मेरा नंबर है 93 40। तीसरे चौथे दिन आपने क्या निकाल के लगाया? सीपीयू निकाल और पावर निकाल। कभी आईसी निकाल के लगाई यहाँ पर? नहीं। जब यहाँ पे पहले दिन आए थे और हॉस्टल में बैठे थे और यहाँ आना था, तो क्या एक एनर्जी लेकर आए थे या मन में डाउट लेकर आए थे कि मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा? सर बताना। डाउट था सर। डाउट था, एनर्जी नहीं थी। अब पूरा जोश है एकदम। डाउट है। अब हॉस्टल से अब आते हो तो एनर्जी लेके आते हो कि डाउट लेके आते? एनर्जी लेके सर। वेरी गुड, एनर्जी लेके आते हो, इसलिए जोरदार ताली बजाओ। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। कन्नौज से। यूपी कन्नौज। क्या करते हैं? हम तो फ्रेशर है। बिल्कुल फ्रेशर है। आपने कभी बोर्ड पे आईसी कंपोनेंट कुछ नहीं? अब मुझे बताओ बोर्ड का देखने का नजरिया कैसा है? बदला है बिल्कुल सर, बदला है। सीट मारने का बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं दो पावर एसी दूं, सब पावर मेन पावर एसी तो पहचान लेंगे सर। सीपीयू एमएमसी को पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं। बहुत सारी अपने आपको बताए हैं। हाँ सर। आपने दूसरे तीसरे चौथे दिन में कौन सा एसी निकाल के चालू किया सर? पावर एसी भी चालू किया है और इसके अपना सीपीयू भी चालू किया है। आपने एक फ्रेशर होने के बाद प्रेशर वो भी बोर्ड के हमारे मेरे को कुछ भी ना लेंगे। और आपने इवन जो आईसी रिवॉल्व किए वो किस स्टेंसिल से रिवॉल्व किया? यूनिवर्सल से। ये सब कुछ कहाँ पॉसिबल हो पा रहा है? एशिया डेली का मैं बस गया। ये बताओ क्या आपने किया या सबने भी किया? सबने किया है। आज डेट सेक्शन था और डेट क्या होता है कि पास एक एक साल में लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता है। आज मुझे बताओ आपको अगर कोई चेक दूं और ये पूछूं क्या इसका डीसी टू डीसी एसी सही है ना सही, आप बता सकते हैं? पक्का बता सकते हैं। यहाँ पर कितने सारे डेट सेट हमने चेक किए हैं? बहुत सारे। अब इसके बेटी क्यों मोहताज हो? अभी बोर्डियों के मोहताज हो गया? नहीं नहीं। क्या बोर्डियों के कौन कौन मोहताज है यहाँ पर? बोर्डियो नहीं खुला तो दुकान बंद तो नहीं कर देंगे? बोर्डियो किसने बनाया? किसने बनाया? बच्चों ने बनाया। बच्चों ने बनाया? और तुमने क्लास को बनाया कि नहीं बनाया? कौन सा सेक्शन है? मुझे बताइए नितिन क्या कहना चाहोगे यूपी से कोई नया आए तो? नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। घबराने मैं पहले भी सोचता जैसे वीडियो देगा हमने देखा और फिर हमने ये सोचते थे पता नहीं कैसा होगा कैसा, लेकिन घबराने का नहीं, यहाँ आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। अपना नंबर दो। 8400479928। मुझे हिंदुस्तान का पहला एक इंस्टीट्यूट है जो अपने हर बच्चे का नंबर देगा। क्या नाम है आपका बताओ? ध्रुवराज सर। यूपी। ध्रुवराज यूपी से। क्या करते हैं सर आप? सर हल्का फुल्का थोड़ा सा मोबाइल वाले से करता हूं। हल्का फुल्का जैक बैग। आईसीओ में कोई काम नहीं? कंपनी का कोई नॉलेज नहीं सर। मुझे बताओ अगर इतने सारे सेट में अगर से थर्मिस्टर ढूंढने को बोले तो कितना समय लगेगा? सर एक मिनट लगेगा। मतलब तुम्हें कितना मिनट लगेगा बताओ थर्मिस्टर ढूंढने में? यस सर। डायग्राम के? यस सर। पर लोगों ने तो पेड करके रखे हैं वेबसाइट में, बोलते हैं पैसा दो हम थर्मिस्टर बता देंगे। नहीं सर नहीं बताएंगे। हाँ ऐसा नॉलेज मिला सर, उसे देखते ही पहचान जाएगी कौन सा है। और तीसरे चौथे दिन में क्या किया तुमने लाइट?
सर तीसरे चौथे दिन में पावर आईसी निकाला सर, लाइव बनाया, लाइव चालू किया सर, लाइव चालू किया गया और पावर सीपीओ आईसी बोल करके पूरा। तुमने इससे पहले आईसी पे काम ही नहीं किया नहीं, और तुम ये सब कुछ कर रहे हो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड से, तो कैसे पॉसिबल है सर? बहुत आसान हो गया। जब ये आए थे तो इतना था कि आज में इस दिन खड़े होके सर को इतना आउटपुट नहीं सर, एक ही दिन के क्लास में सर सीपीओ निकाल के ऑन किया सर। मतलब आपने जब तीसरे दिन में चौथे दिन में लिया, पर उससे पहले आपको पूरा टेक्निक बताया गया, बोलिंग सिखाई गई, कॉम्पोनेंट बताया गया है। अच्छा मुझे बताओ हार्डवेयर में आज बहुत कुछ पढ़ाया, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा आउटपुट निकालूंगा बड़ा आखिरी दिन में लूंगा, पर ये छोटा सा आउटपुट है मेरा लेना जरूरी है। मुझे बताइए कि हार्डवेयर में अभी डेट चेक क्या समझ में आया यहाँ पर? सर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा सर। आज तक मैं मुझे ऐसे लगा मैं जिस बार आ रहा था मैं डर रहा कहाँ से स्टार्ट करूँगा सर, लेकिन आज ऐसा लगा कि बहुत ईजी हो गया। अच्छा हाँ, डेट सेक्शन इधर दिखाइए। डेट सेक्शन जब फोन आता है तो हम ये सोचते हैं कि करें क्या, चार्जर लगा है, बैटरी लगा है, बैटरी के वोल्टेज 90% बैटरी के वोल्टेज चेक कर रहे हैं, 3.9 है या नहीं है, समझ आ रहा है? ऑयल टीएमसी में वोल्टेज बैटरी के चेक कर रहे हैं। कोई नया स्टूडेंट अगर सीखना चाहे तो आ सकता है यहाँ पर? बिल्कुल आ सकता है, आ सकता है, और यहाँ पे हर चीज की मतलब की डीप नॉलेज मिलती है। आप अपनी गारंटी दे, छोड़ो यार वो सब यार, आप अपनी गारंटी दे सकते हो कि नहीं दे सकते? जी बिल्कुल दे सकते हैं। 100% सर। आपकी शॉप है? जी सर। कहाँ पर है, एड्रेस दो। जी सुल्तानपुर, यूपी सुल्तानपुर भाई है। और अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 96-91-93-55। आपको कॉल कर सकते हैं? जी सर। अगर कोई कॉल करे आपसे पूछे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं तो क्या बोलोगे उसको? सर बिल्कुल आ सकता है। और यहाँ पर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मौलाना शेख। मौलाना है, मौलाना शेख। आप मुझे बताओ कहाँ से हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? क्या कर रहे अपन, क्या कर रहे? शॉप है आपकी, जो शॉप है उसका नाम एड्रेस क्या है? आरटी मोबाइल। कहाँ पर है एड्रेस दोनों? मेन रोड श्रीगोंदा। ओके, किस लेवल पे काम कर रहे थे आप? सर लेवल तो कुछ भी नहीं था पहले काम करने का। अच्छा वहाँ पे आपको साथ में बिठा के रखा था किसी को? नहीं, अकेले थे। अकेले तो वहाँ पे किस तरह आप कौन कौन से सेट लेते थे, मतलब डेड फोन लेते थे बनाने के लिए? फोन लेते। तो क्या करते थे डेड फोन? डेड फोन में सर बताना जो करते क्या, खाली बैटरी का, और आपने जो पहले बोला था वही कर रहे थे, बैटरी चेक कर रहे थे। हाँ। बैटरी बूस्ट कर रहे थे, और जो बैटरी से बूस्ट करने पर चालू नहीं हुआ उसको क्या करते थे? वापस कर देते। हाँ। थे पैसा क्यों कर रहे थे? लैक ऑफ नॉलेज नहीं था उसके लिए। आपने फिर घर बैठ के ऑनलाइन कोर्स क्यों नहीं किया? ऑनलाइन का तो कुछ नहीं किया। ऑनलाइन क्यों नहीं किया? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एशिया टेलीकॉम क्यों चुना इतने सारे इंस्टीट्यूट होने के बाद? क्यों हमें वाय सर? आपके वीडियो देखे थे। अच्छा तो वीडियो में नॉलेज मिला? नहीं, हमारे वीडियो में आपको कुछ नॉलेज दिखाई दी आपको? हाँ दिखाई दी। तभी आए यहाँ पर। अब लाइव फेसबुक देखते थे यहाँ पर? लाइव फेसबुक कौन देखता था यार? तभी बैठे हुए क्योंकि यूट्यूब में वीडियो तो हर कोई बना रहा है। क्लास लाइव दिखाना और लाइव पूछना, अभी भी लाइव है ये देखो, अभी भी लाइव चल रहे, ऐसा नहीं है कि एडिटिंग है। तो मुझे बताओ कि तीसरे चौथे दिन में कौन सा आईसी निकाल के लगा है? सीपीयू और पावर। तुमने किया नहीं कभी? नहीं किया था सर। अब मुझे बताओ अब दुकान में डेट आएगा तो 3.9 वोल्टेज चेक तो नहीं करेंगे पक्का? मैंने आज एक भी फोन का 3.9 वोल्टेज चेक किया है क्या? एक भी फोन का नहीं किया। मैं तो सीधा बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि आज हार्डवेयर का डेट सेक्शन कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत बढ़िया, क्या सीखने को मिला उसमें? सर इस टाइप का नॉलेज मिलेगा ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ जी हाँ जी। मुझे बताओ नया कोई आया तो आ सकता है? बिल्कुल। कैसा आपको गारंटी दे सकते हो? मैं गारंटी लूंगा सर। अपना नंबर बोलो। 9881-322-408। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे नाम है आपका? सर मेरा नाम हबीबुल। कहाँ से? मैं असम से। असम से इतनी दूर जबलपुर क्यों? आपको देख के, हमको देखकर। अच्छा ठीक है, चलो आ गया, मान लिया। और पहले दिन और आपके में कितना हबीबुल में अंतर है मुझे बताओ? बहुत डिफरेंस है। सच बताओ कितना है? अगर चलो हबीबुल मैं आपसे बोलता हूँ कि अभी मैं मार्केट में छोड़ता हूँ तो अभी मार्केट में क्या क्या काम कर लोगे, सच बताइए? सर आपने जो तो सिखाया हार्डवेयर डायग्नोस कर लोगे? सीपीयू एमएमसी विदाउट पेस्टर वाला निकाल के लगा लोगे? बिंदास। और मीडिया टेक की ब्लेसिंग भी कर लो, मतलब जो जो आपने क्लास में किया वो बिल्कुल दम से कर सकते हो? दम से कर सकता। और अभी तो कितना सीखने वाले हैं? एमएमसी की क्लास है, पेस्टेड है, डुअल टिकट करेंगे। तो कैसा लग रहा है हर दिन जब यहाँ आते हो तो कैसा एक्साइटमेंट? हर दिन नया नया कुछ सीखने मिलता है, हर दिन नया सिखाते हैं, हर दिन नया कुछ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आप और आपका
परिवार दोनों सेटिस्फाई है कि नहीं है? हाँ सर सेटिस्फाई है, पूरा 100%। हाँ पहले तो फैमिली वाला आने नहीं देते थे, इतना दूर जाए। हाँ हाँ जी हाँ, बहुत मन में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है। फिर से सर अपना जो एक्सपीरियंस लेके आए, मुझे फिर मुझे इधर जाना है, मेरे पापा को बोला मुझे उन स्टेट पे जाना है, उधर काम सीखना है, मुझे काम सीखना है। बोला सर नहीं जाना, ऐसा क्यों करेगा, इतना दूर अकेले जाऊँगा, मेरा मतलब एक ही हूँ मैं अब, इसलिए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अच्छा आपका कोई शॉप है क्या? हाँ सर है। क्या एड्रेस? बोरबेटा जिला हावली कॉम्प्लेक्स। अच्छा आपको अगर मैं नंबर दूं आपका और कोई आपको कॉल करे, दो चीज़ पूछ सकता है, एक मोबाइल बना दोगे कि भैया और एक एसी टेलीकॉम में अगर मुझे जाना है तो क्या जवाब दोगे? दोनों का बिंदास मेरे सब पे भी आ सकते हैं, एसी टेलीकॉम तो आग बन के आ जाओ, कोई टेंशन। नंबर दो फिर अपना। 6300357992। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आप भी आ जाओ। तो यहाँ पर क्या नाम है आपका? कार्तिक कुमार। कार्तिक कहाँ से हो आप? दुमका झारखंड से। अच्छा झारखंड से, यार इतनी दूर से आते हैं आप लोग। कार्तिक क्या काम करते थे? पहले सर थोड़ा थोड़ा करते थे सर, प्रॉब्लम होता था। इससे पहले क्या है कि कुछ दिन पहले डिस्टेंशन भी करते, आई सी रिबॉलिंग सबसे बड़ा काम आई सी रिबॉलिंग बोला जाता था, पर हम करने का कोशिश किए नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल किया, रात में 12 बजे तक भी कोशिश किए नहीं कर पाए, पर यहाँ जब आए पहला दिन और दो ही बार किए हैं उसी में सक्सेस पा ली, और इतना ईजी हो गया कि जो सबसे बड़ा चीज़ था वो पहला दिन हुआ और अभी आराम से। तो मतलब तुम्हारा डिसीजन सही था? सही था सर, और सबसे बड़ा बात है सर गुरु तो बहुत मिलता था, आप जैसे गुरु मिला था बहुत खुश। थैंक यू वेरी मच। कहना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ एक साल पहले आते तो अभी तुम्हारे में कितना होता? सर बहुत अपग्रेड हो गया। पक्का? तो अभी ये मत सोचो कब अपग्रेड, अब ये सोचो अगले वाले साल में मार्केट में तहलका मचाना है। यस, मतलब मार्केट के बाजू वाला भी तुम्हारे पास आना चाहिए। हम सोचते थे सर अपने में सिर्फ जुनून है, पर सर जितना भी आया ना बहुत सर सब में जुनून हमने लेके आया। और यहाँ टीचर भी कितना जुनून है, बहुत है ना? नहीं सकते सर। अच्छा मुझे बताइए कि आपका कोई शॉप है? नो सर शॉप नहीं है, हम रूम पे ही करते थे। बट आपका मोबाइल नंबर तो जरा 6200935। सेम चीज अगर आपका नंबर फिर से बोलो एक बार, मैं बोलूं 6200935506। अगर आपका नंबर दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं, ये बच्चे आपको कॉल कर सकते हैं सर ऐसे टेलीकॉम आना हो, या ये बच्चे हो सकते हैं आपके आसपास रह रहे हो जो यूट्यूब देख रहे हैं हमारे या फेसबुक देख रहे हैं लाइव, तो आपको बोल सकते हैं भैया हमारा फ़ोन बना दोगे, तो क्या जवाब है आपको दोनों के? फ़ोन बना दोगे उनका 100%? और आप इनको फ़ोन भेजो एसर टेलीकॉम की तरफ से और ये 100% बना लेंगे गारंटी के साथ। सर मुझे बताओ कोई बच्चा अगर इंस्टीट्यूट आना चाहे तो? सर आप मतलब एसर टेलीकॉम से ऊपर है नहीं सर, हम सोचे थे पर रियल में नहीं है। पक्का? यस सर। मानते हैं ये बात? ये नंबर वन है। ये सब मानते हैं कि आप मानते हैं? सब मानते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट है दमदार आवाज वाले। तो क्या है भाई दूसरे देवते में बात? आज आज का दिन बताओ, डेड डायग्नोस तुम्हारे सुबह में क्या लग रहा था और अब क्या बताओ? सच बताएं तो हम रात को हम रिवीजन करने 12 बज गए रात को, हम बोले कि आज हम जल्दी सो जाते, हम लोग 2 बजे तक सोते थे रात को, हम सोचे थोड़ा जल्दी सो जाते हैं क्योंकि कल डेट सेक्शन है, थोड़ा उठेंगे कितना बजे, 8 बजे उठेंगे क्योंकि अगर पूरा नींद पूरा होगा तो क्लास में आँख नहीं झपकेगा। बाकी ऐसा हुआ मेरे को 5:30 में मेरा नींद खुल गया, टेंशन की वजह से कि डेट सेक्शन की वजह से मेरे को 5:30 में नींद खुल गया सर, मेरा नींद खुल गया। हम बोले यार ये तो मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी तो नींद खुल गया, अब जाऊंगा तो क्लास में कहीं नींद आँख ना चिपक जाए क्योंकि डेट सेक्शन बहुत एंडर से डर्थ बना हुआ। कल सवेरे लेट तक कौन सोने वाला है? आप सोने वाले हैं ना? टेंशन खत्म किए कि नहीं? टेंशन मैंने बोला था डेट सेक्शन में हल्का करूंगा। यस सर। आज आज मैं आपसे बोलूं कि आप अपने फोन पर सिर्फ ये बता दो कि पावर एसी उतारना है या नहीं उतारना है, ये पता है कि नहीं पता? वन टाइम में डीसी मशीन का रीडिंग देके बता देंगे सर काम कहां से करना है। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। और मेरा मोबाइल नंबर है 7643889548। मेरा एड्रेस है बड़का गांव डेली मार्केट नियर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और झारखंड हजारीबाग, ये पिन कोड 8253511। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई क्या नाम है? जी सर मेरा नाम भीमानंद साहू है। भीमानंद बहुत अच्छा, पहली बात तो नाम बहुत अच्छा है तुम्हारा भीमानंद, मैं पहली बार जब नाम देखा तुम्हारा लिखा तो मेरे को खूब अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल भीमानंद और एक बहुत अच्छा नाम है। मुझे बताइए भीमानंद जी कि भाई क्या करते थे तुम? सर मैं मोबाइल से रिलेटेड दूसरा काम करता था, जैसे मुझे बताओ बोर्ड पे इतने कभी खोला नहीं है, तीसरे चौथे दिन में तुमने कौन से एसी निकाल के लगा के चालू किया? पावर एसी निकाल के
ओनली मैं चालू मोबाइल से निकाल के मैं उसको चालू और फिर चौथे दिन में कौन सा आईसी निकाला? सीपीयू निकाल, सीपीयू निकाल के कौन सी स्टेंसिल से? ये यूनिवर्सल। तो सीपीयू ऐसा क्या है कि कुछ तो भी लग गया कि मतलब कितनी बार ट्राई करा आपने? मैं सर कम से कम 3 से 4 बार ट्राई। सक्सेस मिला कि नहीं मिला? सक्सेस मिला सर। 3 से 4 बार लगाया क्या आपने? अरे क्या बात है। नहीं मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब ट्राई किया। ट्राई किया। अच्छा आपने टुक्केबाजी में नहीं लगाया? टुक्केबाजी में नहीं लगाया। ट्राई करके मुझे बताओ कि एसर टेलीकॉम में जो भी फ्रेशर आते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है सर। दिया जाता है। यहाँ पे टीचरों का नॉलेज है कि नहीं है? है सर, बहुत बहुत नॉलेज है। यहाँ पढ़ाने की स्किल उनको आता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये सब पता है? सब चीज पता है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि आए और समझ में नहीं आ रहा कि टीचरों को कि कहाँ से शुरू करें? नहीं सर वैसा कोई बात ही नहीं है सर। बात नहीं है। यहाँ पर एक भी मिनट आपको पूरा दिन में कभी ऐसा लगता है कि मैं बोर हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? सर आप लोग तो कम खाम लोग के लिए खाना खाने को भी छोड़ देते हो, तो ये चीजें आपने नोटिस की है। थैंक यू वेरी मच। मैं जानना चाहता हूँ कि भीमा ने यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हो, अभी कैसा काम करोगे बता सर? सामान को लोअर करोगे? बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ट्रेनिंग करूंगा। ट्रेनिंग प्रैक्टिस करोगे और आने वाले समय में सीपीयू सब पे काम करोगे और उसके बाद फिर बैकअप के लिए कौन बैठा होगा तुम्हारे साथ? टेलीकॉम है सर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मेरे साथ एक और नाम है भीमानंद, अपना नंबर देके जाओ। सर मेरा नंबर है 93 40 38 82 73। थैंक यू। यहाँ पर एक और स्टूडेंट है मेरे साथ, फिर से बंद करके चलो लो। अच्छा ठीक है। सो मुझे बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोशन है और मैं छत्तीसगढ़ से। रोशन, रोशन छत्तीसगढ़ से, क्या करते हो आप रोशन? शॉप है सर। किस बात की शॉप है, क्या करते हो? क्या करते हो? कौन सा काम करते हो सर? बस कौन सा काम? चालू छाप। झूला छाप जी भाई है। सर बताओ रोशन, तुम्हारे पास एक डेस्क सेट आया था तो तुम क्या करते थे? रियल बताना, रियल फैक्ट, देखो पब्लिक जानती है। हीटिंग करते थे सर बस। हीटिंग वाले थे तुम? सीपीयू डीसी मशीन का कभी भी कोई रीडिंग समझ में आया आज तक? कभी रीडिंग तो नहीं आता, अब आ गया सर। अब आ गया है। देख के बता देंगे। तीसरे चौथे दिन आपने क्या निकाल के लगाया? सीपीयू निकाला और पावर निकाला। कभी आईसी निकाल के लगाई यहाँ पर? नहीं। जब यहाँ पे पहले दिन आए थे और हॉस्टल में बैठे थे और यहाँ आना था तो क्या एक एनर्जी लेकर आए थे या मन में डाउट लेके आए थे कि मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा? सर बताना। डाउट था सर। डाउट था, एनर्जी नहीं थी। अब पूरा जोश है एकदम। डाउट है। अब हॉस्टल से अब आते हो तो एनर्जी लेके आते हो कि डाउट लेके आते? एनर्जी लेके सर। वेरी गुड, एनर्जी लेके आते। इसलिए जोरदार ताली बजाओ। जब पहले दिन आए थे तो डाउट लेकर आए थे और अगले दिन आए तो एनर्जी लेकर आए। ये कहाँ से मिली? एशिया टेलीकॉम से मिली, उसकी टीम से मिली जी सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच रोशन, बहुत अच्छा काम कर। स्टूडेंट है जो आए हैं वेस्ट बंगाल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल में कहाँ से? अलीपुरदुआर से। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सर विकास। विकास, विकास मैं ये चाहता हूँ तुम अपनी लैंग्वेज में बोलो, थोड़ा बहुत बोलो, क्योंकि बाद में बहुत कुछ बुलवाऊंगा, बहुत कुछ बोलूंगा और बहुत कुछ बात करूंगा पूरी जर्नी। विकास क्या लगा एक्चुअल में, 4-5 लाइन में बताइए, 2-4 लाइन में कि यहाँ पर वाकई में तुमने आके सही किया, क्या दूसरे को आना चाहिए और क्या तुमने आज मिला? सर मैं तो सर आपका वीडियो करीब 3-4 साल से देख रहा हूँ सर, तो बहुत अच्छा लगा सर। मैं तो मोबाइल लाइन में था नहीं, मैं ट्यूशन करता था। अच्छा किस तो बात का? मैं ज्यादा आप लोग देख के मन मतलब किसी फील्ड में थे तुम? अरे मेरे को लगा तुम इस फील्ड में हो। फिर उसके बाद सर मैं आप लोगों का वीडियो देख के बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो मुझे लगा कि आप लोगों के पास जाना है सीखना है। जी जी। तो आया इधर, आने के बाद सर देखे कि आप लोग जो टीचर लोग है एशिया टेलीकॉम में बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही नॉलेजेबल है और हम लोगों को मैंने सही शिक्षा दे रहे हैं। पक्का? यहाँ पर विकास मुझे बताओ हर स्टूडेंट में ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? हाँ सर। डिसिप्लिन कैसा है यहाँ का? डिसिप्लिन तो मैं क्या बोलूँ, आदमी से भी ज्यादा है। होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर ये एक कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, ना ही ये नॉर्मल फीस देकर आए हैं। बात समझो, जब ना नॉर्मल कोर्स है, ना नॉर्मल फीस देकर आए हैं, ना ये, और ये सारे कोर्स यूट्यूब पे भी डले हैं, ये सारे कोर्स 1000 रुपए में भी डले हैं, तो ये चाहते तो वहां से पढ़ लेते, वहां से तो ये पूरे इंडिया में घूम घाम के यहाँ बैठे हुए हैं। विकास तुम यहाँ क्यों आए वेस्ट बंगाल से, तो ये रीजन बताओ ना, क्या लगा यहाँ पे इसे टेलीकॉम में? ऐसा आपको देख के आया सर और नॉलेज को देखकर? तो आज हम ऐसे हैं तो हमारे डिसिप्लिन की वजह से। अगर हम बाकी डिसिप्लिन जैसा या बाकी टीचरों जैसा कि कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं, कोई वो नहीं है, 12 बजे क्लास लगा 1 बजे आ रहे हैं, तो ऐसे में पढ़ पाते हैं क्या कभी? तभी तो ये सिर्फ वीडियो बन रहा है, आउटपुट ऐसा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मुझे बताओ विकास कि आज डेट सेक्शन कैसा लगा, आज क्या पढ़ा है? डेट सेक्शन सर आप इतना डीप में गए सर, फिर भी सबको समझ में आया सर। हाँ जी, मतलब आज मतलब हार्ड डीप समझ बताया, पर इजी वे में समझ में आया, सबको समझ में आया।
डीसी मशीन का रीडिंग हो या पावर आईसी चेक करना हो या सीपीयू कब उठाना है या कब एमएमसी उठाना है, और यहाँ तक कि एक लाइव में भी हमने दिखाया कि क्या वाकई में वो रीडिंग से फोन चालू होता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें सीपीयू एमएमसी का काम ही नहीं है, कोई और आईसी पे काम है नहीं, तो इसलिए अच्छा मुझे बताओ विकास, वाकई में कोई नया बैंस बंगाल से आना चाहे तो अपनी भाषा में बताओ क्यों है योर लैंग्वेज আসতে পারে একদম সিকিউরিটি এখানে ভালো শিক্ষা দেওয়া হবে বিলকুল আপ আপনি সিকিউরিটি দিয়ে সকতে হ্যাঁ আপনি যাকে কে করতে বলে আছে আপনি যাকে স্যার শপিং হয়ে সব খুলোগে প্র্যাকটিস করনা আপনি তো আপনি যাকে কে করতে বলে হো আপনি স্যার তিন চার মাইনাস আর আচ্ছা সে প্র্যাকটিস করতে জো শিখায় হাম লোক उस पर काम करना है, हाँ, उस पर काम करना है, काम करना है। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ अपने घर पे ही हैंडसेट लेते हैं तो वैसे ही घर पे लो, फिलहाल डायरेक्ट शॉप मत खोलो या किसी शॉप पर बैठ जाओ, बट वहां पर भी आपको फिर हमारे अंडर के हिसाब से काम करना है, हम बताएंगे प्रोटोकॉल हमारे काम करने के, तो ही ये सक्सेस होंगे और इनको सक्सेस होना पड़ेगा क्योंकि ये सर टेलीकॉम के स्टूडेंट है, राइट? यस सर, थैंक यू वेरी मच। सर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?